and welcome to Veeba CookOff, powered by Dawat Basmati Rice and Tata Sampan. जब खाने की बात आती है, तो कई चीजों पे ध्यान देना होता है. Whether it is the hygiene or the presentation, the cooking process या फिर taste. और इन सब में जो ingredient main role play करता है, वो होता है chef. So let's welcome our first contestant. मेरा नाम रमनिक भाटिया है. मैं अपनी होटल मैनेजमेंट डिग्री ITM IHM नेहरू से कर रहा हूँ. वैसे तो मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ. कुकिंग के प्रति जो मेरा पैशन और प्यार है, वो दादी के वजह से. मुझे पूरा भरोसा है कि ये शो मुझे एक नई पहचान देगा और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये शो जीत के ही जाऊँगा. मेरा नाम तौसीफ एडनवाला है. मैं अंजुमन आय इस्लाम से होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ. बहुत सारी कुकिंग शोज देखता था और वही कुकिंग शोज देख देख के मेरा कुकिंग के लिए पैशन जागा. मैं शेफ संजीव कौर का बहुत बड़ा फैन हूँ. इस शो का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी बात है और मैं अपने आप को ही अभी से एक सेलिब्रिटी शेफ फील कर रहा हूँ. मेरा नाम श्रीजी श्रीनिवासन है. आई एम फ्रॉम शीला रेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. मेरा डैड प्रोफेशनली एक कारपेंटर है. बचपन में मेरे डैड मुझे चटनीज और ऑमलेट्स बनाने के लिए सिखाते थे. वहाँ से मेरे कुकिंग की जर्नी शुरुआत हुई. मैं मेरा स्किल्स और टैलेंट इतने बड़े शो में आकर इतने बड़े शेफ के सामने दिखाना, दैट्स द बिग थिंग फॉर मी. तो जो हमारे पहले जज हैं, वो ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है. कोई ऐसा जिन्होंने दाने दाने पे लिखा है अपना नाम. प्लीज वेलकम पद्मश्री अवॉर्डी शेफ संजीव कपूर. अब जो हमारे अगले गेस्ट जज हैं, वो एक रेस्टोरेंटर हैं एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड द होटेलियर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2016. प्लीज वेलकम शेफ विक्रमजीत रॉय. हमारे अगले जज हैं टाटा संपन्न के मार्केटिंग हेड मिस्टर सागर बोके. ऑलराइट, नियम समझा दूं. बहुत सिंपल है. दो राउंड्स हैं इस शो में. हर राउंड में कंटेस्टेंट को एक मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा. उसमें होंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हर कंटेस्टेंट को अपनी डिश में इस्तेमाल करना जरूरी है. साथ ही उन्हें मिलेगा एक्सेस टू आवर एंटायर पैंट्री. फॉर दिस आपको मिलेंगे 30 मिनट्स. ऑल राइट, तो चलिए अब मिस्ट्री बॉक्स का खोलने का वक्त आ गया है. सो लेट्स गो. 3, 2, 1. जैसे मिस्ट्री बॉक्स खोला, देखते हैं स्पेगेटी है, गरम मसाला है, तो सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करा जाए, कुछ इंडियन और कुछ इटालियन का कुछ फ्यूजन करा जाए. तो जैसे मैंने मिस्ट्री बॉक्स को देखा, तो उसमें स्पेगेटी मेरा पहला स्ट्राइक हुआ. तो उससे मैंने थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया कि क्या बनाऊंगा. उससे मैं पास्ता रखूंगा, उसको टॉप पे बेस पे कैरेट कूली बनाऊंगा. फिर उसमें एक इंग्रेडिएंट थी जो मैंने कभी यूज ही नहीं किए थे, अजवाइन के पत्ते. तो मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स देख लिया आपने, समझ लिया, यू हैव डिसाइडेड कि आप क्या बनाना चाहते हैं. ओके, तो आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब. तो मैं कंफर्म कर लिया था कि मैं पास्ता ही बनाऊंगा. उसके बाद मैंने पैंट्री की तरफ भागा. तो मैंने अनियन, टमेटो, फिर बेल पेपर्स उठाए, बेजिल उठाया. मिस्ट्री बॉक्स में एक लोटस रूट भी इंग्रेडिएंट था. तो मैंने टाटा संपन्न का लाइट चिली पाउडर और टाटा संपन्न का टर्मरिक पाउडर, दो चीज उठाया. सोचा कि लोटस रूट का कुछ क्रिस्प बनाया जाए. सबसे पहले मैंने वीबा का सॉस उठाया एंड और भी इंग्रेडिएंट्स उठाए जो मुझे लगे मेरे सैलेड बनाने में काम आएंगे. एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा शो है, इसकी सोच कहाँ से शुरू हुई. हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के जो शेफ्स हैं, वो बहुत नाम कमाया हुआ है लोगों ने, लेकिन यंग शेफ्स जो हैं, वो इंडस्ट्री में और ज्यादा चाहिए. यंग टैलेंट को सेलिब्रेट करना है, इसीलिए आपको ढूंढ के यहाँ पे लाया गया है, ताकि आप आज एक्सेल करेंगे तो कल इंडस्ट्री में एक्सेल करेंगे. डू योर बेस्ट टुडे, राइट? सो ऑल द बेस्ट. जैसे ही मैंने सैलेड का प्रिपरेशन शुरू किया, सबसे पहले मैंने कैप्सिकम लिया और उसको मैंने चॉप करना शुरू किया. और जैसे ही मैं चॉप करना स्टार्ट कर रहा था, वैसे ही शेफ संजीव आ गए. उनको देख के मैं और डर गया. मैंने सोचा चलो सब कुछ छुपा लेता हूँ, बट वो आए मेरे पास. उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे चॉप किया जाता है और कैसे नाइफ पकड़ा जाता है. ये है सेंटर नाइफ का. ओके, पकड़ना है यहाँ से, पकड़ो. ओके, नाउ परफेक्ट एक एक की जगह. इफ यू डू दिस, कैन यू सी? यस सर. ओके, यस सर. जैसे कि कुकिंग स्टार्ट की, इतने में शेफ संजीव कपूर आए. उन्होंने पूछा क्या बना रहे हो? गार्लिक फ्लेवर और चिली, साथ में चिली फ्लेवर का स्पेगेटी सोच रहे हो. दो सॉस बनाने के सोच रहे, कैरेट सॉस है और एक बेशमल सॉस है. तो बेशमल मतलब व्हाइट सॉस? व्हाइट सॉस. तो अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है. थोड़ा कैरेट कर लूँ, एक बार कैरेट सॉर्टेड हो गया. हाँ. उसके बाद सर बेशमल की तैयारी करेंगे. इसको प्यूरे करना है? हाँ, इसको सब प्यूरे करेंगे. टाइम लगता है?
तो मेरा कटिंग स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी, तो तब तक शेफ आए पूछे कि क्या बना रहे हो करके। मैं अभी स्पेगेटी आगे लिए बनाऊंगा, उसके बेस पे मैं कैरेट पेपर कूली बनाऊंगा, मतलब कूली मतलब प्यूरे टाइप सॉस, प्यूरे टाइप सॉस का बेस रहेगा। हां, उसके बाद मैं सॉसेज उसमें इंक्लूड करूंगा पास्ता के साथ, और उसको रोल करके प्लेट के ऊपर रखूंगा। पास्ता को रोल करके, ओके साउंड्स गुड। मेरे को एक टिप दिया वहां पर, क्योंकि मैंने एक चीज थी जो अजवाइन के पत्ते कभी यूज नहीं किए थे। इंग्रेडिएंट हमेशा खा के देखो। यस यस, ट्राई किया है, कैसा है? ओके, खाओ खाओ। थोड़ा मिंटी फ्लेवर है थोड़ा। रिमेम्बर द फ्लेवर टेस्ट, ओके? स्वाद की मेमोरी हमेशा रहती है, जिंदगी भर रहती है। यस सर, ओके। Veeba CookOff के नए चैलेंजर्स रमणीक, तौसीफ और श्रीजीत उतरे मैदान में। एक तरफ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स स्पेगेटी, टाटा संपन्न गरम मसाला, अजवाइन लीव्स, सॉसेजेस और कैरेट्स, और दूसरी तरफ सिर्फ 30 मिनट का समय। चैलेंज और भी ज्यादा टफ। Dude, I'm still skeptical. Your pasta has salt. This has got salt. Check it once. Okay, contestants, we have 10 minutes left. Sirf 3 minutes bache hain. Okay, your countdown begins. We are on 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Let's start with Ramneek. एक अच्छी बात, ड्रेसिंग आपकी डिश की हाईलाइट है। वो तारीफ सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गया। अब आप वो किसी भी चीज पे डाल दोगे वो अच्छी बन जाएगी। आपने स्पेगेटी, सिर्फ स्पेगेटी बना के ये सॉस उस पे आप डाल देते, इट वुड हैव वर्क्ड परफेक्टली। खट्टा मीठा तीखा हिंदुस्तान का स्वाद है, वो इसके अंदर आ रहा है। अब उसमें आपने एक एलिमेंट जो मिस्ट्री बॉक्स में नहीं था आपने वो डाला, और वो थोड़ा सा अंडर कुक था। वही मेरे इस डिश का वीक पॉइंट बन गया था। बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स आर प्रीटी डीसेंट, राइट? द डिश इज सिंपल, इट्स लुकिंग गुड। इवन इफ यू हैव डन अ किनोआ, इट्स नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली, इट्स स्टिकिंग टू माय टीथ, इट्स वेरी इरिटेटिंग। फ्लेवर वाइज आई थिंक यू हैव डन अ डीसेंट जॉब। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर तौसीफ एडनवाला, कैन वी प्लीज हैव योर डिश हियर? मुझे लगता है अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो अपनी डिश एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकता था। जो आपका जो कॉन्सेप्ट था कि इंडियन और इटालियन को मिक्स इसका फ्यूजन करके कुछ बनाया जाए, आई थिंक एज इंडियंस हम लोगों को ये पसंद है। इंडियन और इटालियन पे अगर शायद इफ़ यू वांटेड टू मूव टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स इंडियननेस, आई थिंक गरम मसाला फ्लेवर अगर थोड़ा और होता तो शायद और बेहतर हो सकता था। तो मेरा इंडियन और इटालियन का फ्यूजन सबको बहुत अच्छा लगा। मेरा वेजिटेबल सॉस में थोड़ा सा गरम मसाले का फ्लेवर भी बहुत सबको अच्छा लगा। आपने वाइट सॉस बोली, एक की इंग्रेडिएंट गरम मसाला, वो आपने सिर्फ पेंट की है उसके ऊपर, तो उसमें वो वाइट सॉस पेंट हो गया, उसमें गरम मसाला तो सोचो कहीं होगा ही नहीं, राइट? तो हर चीज को सोच के, समझ के और फिनिश लेके आओ। श्रीजित श्रीनिवासन, प्लीज अपना डिश यहाँ लेके आइए। तो जब मेरे डिशेस में जजेस के पास लेके जा रहा था तो ऑलरेडी शेफ बहुत एक्साइटेड थे, जजेस को देख के मैं भी एक्साइटेड हो गया। तो
तो जजेस ने सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये दिया कि बेस्ट प्लेटिंग है. वेरी नाइस. आई लाइक द बर्स्ट ऑफ फ्लेवर. वेरी फ्लेवरफुल. आई लाइक द वे यू प्रेजेंटेड इट. सॉसेजेस आपने शुक्र है ज्यादा डाले ताकि शेफ विक्रमजीत खुश है एंड ही इज फिनिशिंग ऑल द सॉसेजेस. फिर उसके बाद शेफ विक्रम ने सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सो माई प्लेट इज माई आंसर टू यू एंड फॉर अ कुक आई थिंक ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन ऑफ द क्यूई brilliantly cooked sausages. I could put that on my menu, man. Pasta perfectly cooked. Al dente jo kehte hain hum, this is al dente. Carrot has its natural sweetness. Jo hum balance kehte hain seasoning ka, usme natural jo seasoning hai har cheez ki, usko istemal karna wo difficult art hai. As a student, proud of you. और आज जो घर जाएगा वो है Welcome back to Veeba CookOff, powered by Tawat Basmati Rice and Tata Sampann. Ramneek, Tausif aur Shrijit ke flavors aur technique judges par kya impact dal pate hain? Aur dekhna hai ki round 2 ki or inme se kaun aage jayega. First of all, well done. Aap teenon ne application jo hai bada acha kiya. Mystery ingredient ke saath mein ekdam aise ingredient aa jana कि बस उसमें पास्ता भी है, उसमें टाटा संपन्न गरम मसाला भी है, उसमें अजवाइन का पत्ता भी है, सॉसेज भी है, मतलब अच्छे अच्छे शेफ कंफ्यूज हो जाए. क्लियरली तीनों में से अगर अभी मुझे विनर चूज करना हो तो श्रीजी. अब बात आती है तौसीफ और रमनीक में. तो रमनीक, आपने जो सैलेड बनाया उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी की, लेकिन एक कमी, किनुआ आपने पकाया नहीं पूरी तरह से. तो सिर्फ आपने जो डिश बनाई उसमें अलग अलग एलिमेंट्स अपने आप में अच्छे थे, लेकिन कमिंग टुगेदर ऑफ अ प्लेट जो हम कहते हैं वो कहीं मिसिंग था. मतलब दोनों में से कोई भी आगे जा सकता है, लेकिन एक को घर जाना पड़ेगा. और आज आप दोनों में से जो घर जाएगा वो है रमनीक. भले ही मैं ये कॉम्पिटिशन जीत नहीं पाया, लेकिन कुछ गम नहीं. मैं इस कॉम्पिटिशन से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं जो मेरे आगे फ्यूचर में मदद करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड. हमारे पास हैं तौसिफ एंड श्रीजीत फॉर दिस राउंड. सेम प्रोसेस. आपके पास है एक मिस्ट्री बॉक्स जिसमें है मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स. इन सभी इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आपको बनाना है आपकी दूसरी डिश. एंड ऑफ कोर्स आप पैंट्री के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको मिलेंगे अगेन जस्ट 30 मिनट्स और उसमें आपको करना है अपना मैजिक. ऑन द काउंट ऑफ थ्री आप अपना मिस्ट्री बॉक्स खोलिए. सो 3, 2 एंड 1. सेकेंड राउंड के मिस्ट्री बॉक्स में वेनिला पॉड्स निकला, एग्स निकला, कस्टर्ड एप्पल निकला. तो उसे देखते ही लगा कि कस्टर्ड एप्पल का मूस बनाया जाए. तो जब मैंने राउंड 2 का मिस्ट्री बॉक्स रिवील किया, सब उसमें सब डेजर्ट के आइटम थे, स्वीट आइटम्स थे, जो मेरी बहुत वीकनेस है. फिर मेरा वहाँ से थॉट प्रोसेस चालू हुआ कि मैं क्या बनाऊँ उसे, मैं उसे पुडिंग बनाऊंगा एंड ऑल. फाइनल डिसाइडिंग राउंड के 30 मिनट शुरू होते हैं अब. जैसे मैंने मूस बनाने का सोचा, मेरे दिमाग में इंग्रेडिएंट्स बहुत क्लियर थे, बट जैसे मैंने फ्रिज खोला तो मुझे वहाँ पे बटर ही नहीं मिला. सो इसलिए मैंने बिना बटर के मेरे बार्ले को सेट करने का सोचा. पैंट्री में गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करूँ, किस में मैच होएगा, कुछ पता नहीं. फिर कैसे तो कैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए. आपके 30 मिनट शुरू हो चुके हैं. इतना टाइम पैंट्री में मत बिताइए. यू विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू कुक योर डिश. क्या बना रहे हो?
शेफ बार्ली का पुडिंग बनाऊंगा, बेस पे कस्टर्ड एप्पल की क्रम एंगली रहेंगे और स्कूप्स ऑफ वाटरमेलन ऑन द साइड। राउंड टू में आया एक जोरदार ट्विस्ट, जहां रुख मुड़ा मेन कोर्स मील से डिजर्ट की ओर। मिस्ट्री बॉक्स के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स टेंडर कोकोनट, वाटरमेलन, एग्स, कस्टर्ड एप्पल, वनीला पॉड्स और बार्ले ने तौसीफ और श्रीजीत को डाला असमंजस में, लेकिन दोनों ही चैलेंजर्स ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और अपनी सूझबूझ और कलिनरी स्किल्स से बनाए बेहतरीन डिजर्ट्स। ऑल राइट कंटेस्टेंट्स, टू ब्रिंग टू योर नोटिस, 15 मिनट बचे हैं। मुझे अब टाइम कम पड़ रहा था, पहले बटर नहीं मिल रहा था और अब क्रीम मिक्स करने के लिए व्हिस्क नहीं मिल रहा था। तौसीफ जी मुस्कुरा दीजिए, वेरी गुड। टेंशन चल रही है? क्या बनाने का सोचा है? थोड़ा यूनिक सोच रहा है शेफ, बनाने का एक सीताफल का मूज बनाने का सोचा है। ये रेगुलर मूज नहीं रहेगा जिसका हम जेलेटिन में सेट करते हैं। हाँ। इसमें हम एग्जांथम गम यूज करके सेट कर रहे हैं। ओके। और साथ में इसके टेंडर कोकोनट का क्रीम है और वाटरमेलन क्रीम है और साथ में हल्का सा एक पिस्ताशियो का प्रलाइन है फॉर द क्रंच। सम वाटरमेलन जस्ट विद अ चिली पाउडर फॉर द स्पाइसीनेस एंड कस्टर्ड एप्पल मूज। और बार्ले कहाँ है? तो बार्ले जैसे कि चीज केक में हम बेस कैसा डालते हैं, इसके वो बार्ले मेरा बेस है विद अ सिनेमन फ्लेवर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ जी। हेलो शेफ। बहुत बढ़िया बना रहे हो। हाँ थैंक यू सर। नहीं वो ओके। बड़ा टेंशन वाला है, पिछला राउंड आपने जीत लिया, ये तो वो जीत जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं हो सकता। नहीं ऐसा कैसे कह सकते हो? कॉन्फिडेंस है उतना। कॉन्फिडेंस है? यस। ओके तो मैं यहाँ पर बार्ली का पुडिंग रखूँगा ऊपर, जिसमें कोकोनट का वाटर का फ्लेवर किया हूँ मैं और लिटिल बिट ऑफ कार्डमम, और उसके बेस पे कस्टर्ड एप्पल की क्रम एंगली रहेगी। कस्टर्ड एप्पल में बहुत मॉइस्चर होता है। ओके। तो अब ये क्रम एंगले जो आप बनाओगे, एक्चुअली इट्स अ कस्टर्ड सॉस राइट, तो उसमें कब वो डालोगे? आपने अभी डाल दिया इसके? डाल दिया थोड़ा फ्लेवर के लिए। अच्छा कस्टर्ड एप्पल डाल दिया है। टेंपर करने के बाद मैंने कस्टर्ड एप्पल को डाल दिया ताकि उसको पहले मॉइस्चर कुछ रिड्यूस किया। तो शेफ ने वहाँ पर एक और टिप दिया कि वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए, एग की थिकनिंग के लिए वो मॉइस्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यू विल हैव टू कुक इट मोर, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है, क्योंकि समय कम है इसलिए, और नहीं तो फिर वहाँ पर भी फंबल हो गया मैं कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी बहुत अच्छा बना रहा हूँ। कस्टर्ड एप्पल का मूज बना रहा है, बार्ली का बेस दे रहा है। सी आई थिंक की इज कि कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बैलेंस कैसे कर सकते हो, कैसे कंबाइन कर सकते हो। गाइस लास्ट 5 मिनट बचे हैं आपके पास। Last 60 seconds, the deciding minute of this show. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Time is up. Well done. 30 minutes में कुछ सोचना, क्रिएट करना, प्रेजेंट करना वाकई बहुत टफ होता है। आप दोनों ने ये किया है एंड स्टार्ट करते हैं श्रीजीत के डिश के साथ। तो जब फर्स्ट राउंड की डिशेस जजेस ने टेस्ट किए थे, उनका एक्सपेक्टेशन मेरे तरफ बहुत हाई हो गया था। Individually, I think there are certain elements in the dish which are very, very nice. Yes, sir. How does the dish come together? I'm not sure.
पार्ले की कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया, नटीनेस इज कमिंग थ्रू, उसके साथ में जो ऑंग्लेज बनाया है कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट, स्वीटनेस अच्छी है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हैवी हैंडेड हो गए हो पीनट बटर में। वाटरमेलन एक दूर कहीं घूमने गया हुआ है, कहीं अपना सड़क पे निकला है, बट फर्स्ट राउंड में आप क्लियर विनर थे। तौसीफ ने क्या किया है वो देखना है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीतूंगा। तौसीफ अब आपकी बारी है, लेके आइए अपनी डिश। पहले राउंड में श्रीजीत का डिश काफ़ी बेटर था, जजेस ने बहुत अप्रिशिएट किया था, और अगर मेरा मूव प्रॉपर नहीं बना तो शायद मैं एलिमिनेट हो सकता हूँ। एज अ डिश मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली आई एम एंजॉयिंग इट एंड आई एम स्टिल गोइंग फॉर द प्रालाइन। ऑल इन ऑल आई थिंक दिखने में अच्छा है, कट सर्टेन स्पार्क्स हियर एंड देयर, द मेन ज़ैंथम इन्फ्यूज्ड द क्रेम ऑंग्ले डजंट वर्क फॉर मी, राइट। द बार्ले इज काइंड ऑफ ब्लैंड इन अ वे। अगर डिजर्ट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा उसमें अगर कोई सिरप या कोई फ्लेवर या कोई हर्ब स्पाइस कुछ डालते तो शायद अच्छा होता, but the look of the dish is nice and this cream with watermelon I think is a brilliant idea. Thank you. तो सिर्फ xanthan gum का रोल क्या होता है? So मैंने एक लिक्विड थिक करने के यूज करने का सोचा था पर उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं xanthan तो डालो लेकिन उसको प्रॉपर एक थोड़ा सा सेट हो तो मैं उसको मोल्ड में डाल के डीमोल्ड कर सकता था, रिंग मोल्ड में डाल के, बट उसको एक प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाया शायद इसलिए मेरा xanthan। थिकनिंग के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, xanthan gum क्यों डालते हैं? ये xanthan gum के हीरो हैं। It's a quick thing because xanthan gum neutral है, quick thing, right? Neutral है flavor में। जो जेलिंग है, but आपको उसमें आधे घंटे में नहीं हुआ, so that means कि आपने उसकी proportion, आपने precision, yes, उस पे focus नहीं किया। बाकी conceptually I think it's brilliant. बार्ली मोतियों जैसे बिखरा हुआ है, मोती को पिरो देते तो मजा आ जाता। देखते हैं। मेरा कंसेप्ट जजेस को बहुत अच्छा लगा बट मेरा बार्ले प्रॉपरली सेट नहीं हुआ था बिकॉज मुझे बटर नहीं मिल रहा था। हो गया, हो गया, डिसाइड तो हो गया, क्लियर है, डिसाइड हो गया, हां क्लियर है। दोनों राउंड्स को दिमाग में रखते हुए हम जजेस का फैसला ये है, मुकाबला टक्कर का, जीत किसी की भी हो सकती है। वेलकम बैक टू वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस एंड टाटा संपन्न। तो तैयार है तौसीफ और श्रीजीत अपने डिजर्ट से जजेस को करने इंप्रेस। देखते हैं कौन होंगे इस फाइनल राउंड के विजेता और वीबा कुक ऑफ एपिसोड 2 के विनर। श्रीजीत, तौसीफ, पहली बात आप में से कोई एक जीतेगा और जीतने वाले को ट्रॉफी आपके लिए, उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट वीबा की ओर से गिफ्ट हैम्पर, दावत बासमती राइस की ओर से गिफ्ट हैम्पर, मेरी किताबें टाटा संपन्न की ओर से गिफ्ट हैम्पर, हमारे कुकवेयर अप्लायंस पार्टनर वंडरशेफ की ओर से गिफ्ट, गिफ्टिंग पार्टनर डिवोटी की ओर से गिफ्ट जीतने वाले को। आप दोनों ने ये राउंड में बहुत अच्छा किया लेकिन डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तौसीफ ने बहुत ज़्यादा दिखाई पिछले राउंड से। आज के विनर दोनों राउंड्स को दिमाग में रखते हुए हम जजेस का फैसला ये है, मुकाबला टक्कर का, जीत किसी की भी हो सकती है। आज के विनर तौसीफ या फिर श्रीजीत? अच्छा शेफ बनने के लिए तैयारी आज से, इंडस्ट्री में नाम कमाने की शुरुआत आज से, इस ट्रॉफी पर, इस सर्टिफिकेट पर किसका नाम लिखा हुआ है, तौसीफ या फिर श्रीजीत?
क्या चल रहा है तौसीफ दिमाग? नर्वसनेस है दोनों का, काफी टक्कर का था, कौन जीतता है क्या? श्री जी, डेजर्ट जोन में मैं भारी पड़ सकता है शायद, पता नहीं, बहुत नर्वस। आज के वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस एंड टाटा संपन्न विनर है श्रीजीत। Thank you, Tawseef. You did very well. Proud of you. Thank you, sir. Good job. Thank you, sir. Thank you. Thank you. मैं एलिमिनेट हो तो गया, इस बात का दुख तो है, लेकिन जो शेफ संजीव कपूर ने मेरे कंसेप्ट की और मेरे इम्प्रूवमेंट की जो तारीफ करी, उससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं है, और वो अवार्ड लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। Congratulations. Net. Well done. और ये विनर श्रीजीत श्रीनिवासन एंड द ट्रॉफी फॉर यू। मेरे डैड प्रोफेशनली एक कारपेंटर है। बचपन में मेरे डैड मुझे चटनीज और ऑमलेट्स बनाने के लिए सिखाते थे, वहां से मेरे कुकिंग की जर्नी शुरुआत हुई। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, हम जितने जजेस हैं हमें बहुत मजा आया, क्योंकि खाना खा के लगा वाह, ये फ्यूचर है हमारे आने वाले शेफ्स की जनरेशन का। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे शेफ्स इंडिया से आएं और पूरी दुनिया में नाम कमाएं और आपको खाना खिलाएं। जी हाँ, हमारा फ्यूचर यही शेफ है। ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा और बढ़िया बढ़िया खाने हम खाएंगे, लेकिन आपको खिलाएंगे जरूर। नमस्कार।